स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं सभी प्रिय मित्रों को सुप्रभात। आज 15 अगस्त को हम सभी अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का दिन सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, जिन्होंने हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा जीवन हमारे देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। आज़ादी के बाद हमें अपने मौलिक अधिकार मिले। आज हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, लेकिन हम इस आज़ादी को हल्के में नहीं ले सकते। हम सभी को अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए, ताकि कोई भी देश हम पर दोबारा शासन करने की कल्पना भी ना कर सके। हमारी आज़ादी अमूल्य है और हमारे वीर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लगातार लड़ते हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम देश के विकास और प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करें। आइए आज हम सब मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और अपने देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत।